छठे चक्कर से पहले मुंह खोलना बनता ही नहीं कि आप ये बताओ कि हम साधना कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत से लोग कुछ छोटी मोटी चीजें दिखाई दी और वो भागने लगे, छटपटाते हैं कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। अरे अभी तो पहले चरण भी नहीं है, गुरु चरण तक भी नहीं पहुँचे हो। जब हम अपने गुरु के चरणों तक पहुँचे, सारी दुख दुविधाएं और सवाल और जवाब जितना भी था सब मिटा दिए एक मिनट में। लेकिन मन में बहुत सवाल उठ गए इस सवाल के ऊपर कि हम भी तो गुरु जी के पास आते हैं, हमारे क्यों नहीं मिटते। इसी कारण से मैं बोलता हूँ वो गुरु नूरी गुरु है, वो देह गुरु नहीं है, नूरी गुरु है, शब्द गुरु है। और वहाँ सूरत के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, सूरत के माध्यम से चढ़ाई हो सकती है। दो नाड़ियों को रोक करके तीसरी से चढ़ा जाएगा और सूर्य चंद्र को एक करके ऊपर की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और आप तीसरे तिल के अंदर जहाँ तिलक लगाते हैं, ये तिलक लगाना क्या है, ये तो तिलक है ही, ये सब के तिलक लगा हुआ है। और यहाँ तिलक के ऊपर यहाँ जा करके मिल जाता है ये सब कुछ, नेत्रों से लेकर के सूर्य चंद्रमा सुषुम्ना, ये सब की सब इकट्ठी हो करके फिर आगे का मार्ग खुलता है। अगर हम कितना भी प्रयास करें बाहरी चीजों से अंदर नहीं जा सकते। जो ये मांग का रहस्य होता है कि मांग भरनी चाहिए, ये रहस्य भी यही है कि इससे ऊपर जब हम चढ़ते हैं रक्त वर्ण हो जाता है। रक्त वर्ण के कारण से ये निशानियां हैं कि हम इसको हम हर रोज धारण करें। इससे ये होता है कि चढ़ाई शुरू हो चुकी है, इस कारण से ये यहाँ तक धारण की जाती है, पीछे नहीं लगाया जाता। क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वहाँ वर्णन बदली हो जाता है, रंग बदली हो जाता है। ये गहरे रहस्य की बातें हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। क्योंकि क्या पता इस संसार के अंदर कितना क्या हो, कैसा समय आए। लेकिन आप ध्यान जो है, ध्यान इतना आवश्यक है, इन रहस्यों का भेद खुलना जरूरी है ताकि कोई भी लोग आपके साथ बात करे, समझे, तो आपको भी चीज़ें समझ आने लगे, पता चलने लगे और अनुभव होने लगे। तो जब ये चढ़ाई होगी, साकार और निराकार का भेद धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको साकार और निराकार की तो बात दूर की है, जब आप गुरु चरण पकड़ करके चढ़ोगे, उनकी चरण रज जब आपके मस्तक से टकराएगी, आपका जीवन, भाग्य, कर्म, काल, महाकाल, सब कुछ रास्ता ही बदल जाएगा, सब पीछे रह जाएंगे। जितनी भी घाटियां हैं आगे आने वाली, कहीं भी मत रुकना। एक एक घाटी इतनी जबर है, इतनी बड़ी है, कोई संसार सागर को तैर करके आगे बढ़े, आगे इससे भी भयानक घाटियां हैं, भयानक प्रकार के। ये नहीं कि बड़े बड़े दांतों वाले राक्षस हैं, आपके मन के अनुसार जो चीज़ें हैं, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको प्रदान की जाती हैं। सिद्धियां भी एक घाटी ही है, सुख और लोक भी घाटियां ही हैं। इनको संत लोग बड़ी घाटियां बोलते हैं, जिनमें रुकने के बाद जीव फिर नीचे गिर जाता है। आप ये समझो, इतनी ऊंची चढ़ाई होने के बाद, गुरु चरणों तक पहुंचने के बाद अगर आप नीचे गिरे, तो समझो कि गुरु चरण रोंद करके आप नीचे गिरे हो, आप उस परमात्मा के बिल्कुल करीब जा करके नीचे गिरे हो।
और इतना गिरे कि उठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। असंभव तो नहीं होता, लेकिन जन्म की हानियां हो जाती हैं। इतना आसान भी नहीं होता फिर वहां ठहरना, क्योंकि मन में संशय हो जाता है, संदेह हो जाता है, शंका पैदा हो जाती है, विचार उठने लगते हैं गुरु के प्रति, और फिर वो गुरु के प्रति विचार उठ करके जीव इधर उधर भटकने लगता है। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं जो 10-10 वर्ष पुराने हैं, भटक भटक करके आ रहे हैं, संसार में तलाश किए लेकिन गुरु नहीं मिलते। गुरु इतना आसान नहीं है मिलना। संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ मजहब हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते बना दिए गए हैं, लेकिन रास्ता साकार से शुरू होकर के आपके ऊपर खत्म होगा, आत्म प्राप्ति के ऊपर, आपकी प्राप्ति के ऊपर ही समाप्त होगा। अगर ये ना हुआ तो वो मार्ग नहीं है। कोई भी कुछ भी प्राप्त हो जाए, अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं है। तो साधकों, सबसे आवश्यकता साधना है। बिना साधना के वहाँ तक स्थिति नहीं जा सकती। जब बच्चा युवावस्था में जाता है तो फिर वो दुखी होने लगता है, वो कामवेग से दुखी होने लगता है। 12-14 वर्ष के बच्चे काम के प्रभाव में आ जाते हैं, काम की चपेट में आ जाते हैं, और वो काम उनको प्रभावित करने लगता है, इंद्रियों को, मन को उनको प्रभावित होने लगती हैं। मैं देखता हूँ, ये नहीं कि आजकल के बच्चे, ये शब्द प्रयोग मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये सदा से है, अलग कुछ नहीं है आज, ये सब कुछ सारी चीज़ें पहले से होती आई हैं। लेकिन जो इनमें से निकल गए वो जीवन मुक्त हो गए, जो नहीं निकले वो घूम रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं, वो बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसी प्रकार का खेल चल रहा है जीवन में और संसार में। तो जीवो, जब साधना करोगे, आगे बढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि गुरु की संसार में क्या अहमियत होती है। हमने जब साधना प्रारंभ की, हम तो अकेले ही चले थे, साधना में अकेले ही चलना होता है, लेकिन आज आप सब कुछ सबके सामने है। हमें ना कोई समझाने वाला था, ना कोई बताने वाला था, आप सब लोग तो गुरु भाई बहन, बहुत लोग महीने में एक बार तो कम से कम इकट्ठा हो ही जाते हो, आपस में सब प्रकार की बातें हो जाती हैं, विषय के ऊपर चर्चा हो जाती है, ध्यान के ऊपर भी बात हो जाती है, मेरे साथ भी मुलाकात हो जाती है। लेकिन मेरे गुरु देहिक गुरु नहीं थे, मेरे गुरु नूरी गुरु हैं। तो नूरी गुरु से बस आदेश आते हैं कि ये करना है, साधना काल में मात्र आदेश आते हैं। वहाँ जो सवाल प्रश्न उत्तर, वहाँ बस आदेश आते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, वहाँ कोई अलग प्रकार का नहीं होता। ना वो हर टाइम साथ रहता है, साथ रहते हुए भी अगर वो 24 घंटे साथ ही है, आत्म रूप में विराजमान है, तो भी वो बात नहीं करता हर समय, वो निगाह बनाए रखता है, उसकी नज़र रहती है हर समय, कर्म के ऊपर नज़र रहती है, मन के ऊपर नज़र रहती है, विचार के ऊपर नज़र रहती है। जो ही इधर उधर होगा वो पकड़ लेगा, अगला आदेश आ जाएगा। तो बड़ी सावधानी का काम है साधना करना। साधना करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। जिस प्रकार से मैं खबर पढ़ रहा था, किसी ने YouTube के ऊपर देख करके एक पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करते करते वो बेचारा मर गया। तो इस प्रकार के लोग इस संसार में बहुत हैं कि देख करके, कहीं से काट छाट करके, पता करके, पुस्तकें पढ़ के, कुछ आजकल सुन करके और बोलने लगते हैं, लेकिन जब बारी ऑपरेशन की आएगी
तो उन्हें पता है प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल ना उनके पास है, ना प्रैक्टिकल वो करा सकते हैं, ना साधना करा सकते हैं, ना मन का पता कैसे रुकेगा। तो इस संसार के अंदर अगर आप कंपाउंडर से ऑपरेशन कराने का प्रयास करोगे तो शरीर तो खत्म होगा ही होगा, जान भी चली जाएगी, इतनी हानि है। उसी प्रकार से पूर्ण गुरु के बिना अगर हमने नाम दीक्षा ली और मनमानी साधना की, अगर हम इन सांसारिक साधनाओं में अटके तो फिर जान क्या, जन्म तो जाएगा ही जाएगा, आगे भी धूल पड़ जाएगी संसार के अंदर। तो भ्रम में मत रहिए, ब्रह्म की ओर बढ़िए, ध्यान की ओर बढ़िए। तो बहुत सावधान रह करके भी आपको चलना है।